आज हम बनाएंगे खीरे का रायता। उसके लिए लेंगे हम एक खीरा, एक प्याज, हरी मिर्च और पुदीना, दही। खीरे को छीलकर बारीक बारीक काट लेंगे। प्याज को भी हम बारीक काट लेंगे। खीरे को घियाकस भी कर सकते हैं, पर उसका टेस्ट अलग आएगा और ये काटने के बाद इसका टेस्ट अलग आएगा। अब पुदीने को और हरी मिर्च को हम पीस लेंगे। अब इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। इसके अंदर हम प्याज और खीरे डाल देंगे। अब इसमें हम दही डालेंगे। 3 चम्मच दही लेने के बाद में इसमें नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच। भुना हुआ जीरा डाल देंगे, 1/2 से थोड़ा सा ज़्यादा। थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे हम, थोड़ा सा काला नमक। आप इसे अच्छे से फेंट देंगे। गर्मियों में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। जब आपका सब्जी खाने का मन ना करे तो बनाएं खीरे का रायता। इसमें आप लहसुन भी डाल सकते हैं अगर खाना हो तो। इसमें पुदीने की भीनी भीनी खुशबू आएगी आपको। अब ये हमारा तैयार हो गया खीरे का रायता। अब सर्व कर देंगे इसको। राधे राधे जी।